आज का ये व्लॉग है ना बहुत ज्यादा अलग होने वाला है। व्लॉग क्यों अलग होने वाला है, देखो यहाँ पे कौन है, प्यारे प्यारे से यहाँ पे देखो डॉग्स हैं, इसको दिखाने एक बार पास से, ये देखो कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे डॉग, कितने ज्यादा प्यारे हैं। वहाँ देखो एक ये बैठा हुआ है, अरे अरे उसको क्या हो गया, देखो ये रहे, और कितने सारे यहाँ पे चारों तरफ डॉग्स ही डॉग्स हैं। तो भाई अभी मैं कैफे के अंदर आया हुआ, अरे शांत हो जा भाई, हाँ डॉग्स यहाँ पर मान लिया। तो भाई अभी मैं एक ऐसे कैफे के अंदर आया हूँ जहाँ पर क्या है, चारों ओर हमारे डॉग्स घूमते रहेंगे और ये डॉग्स बिल्कुल फ्रेंडली हैं, कुछ नहीं कहेंगे आपको, आप इनको उठा सकते हो। एग्जांपल देखो ये रहा यहाँ पर, ये देखो इनको आप उठा सकते हो, इनके साथ फोटो ले सकते हो, इनके साथ रील बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो, तो ये कुछ नहीं कहेंगे। ये देखो कितने पास से दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो बहुत प्यारे प्यारे मतलब ये डॉग्स हैं यहाँ पर। मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग के अंदर, क्योंकि भाई डॉग्स के साथ हम, डॉग्स तो मेरे फेवरेट एनिमल हैं और उन्हीं के साथ आज हम कुछ खाएंगे बैठकर, तो टोटली मजा आने वाला है, यही व्लॉग में होने वाला है। तो भाई ये कुछ इसका एंट्री है यहाँ से, तो यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि आप अगर यहाँ पर आना चाहते हो तो कैसे यहाँ तक आप आ सकते हो, यहाँ की टाइमिंग क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, फिर अंदर भी चल के सब कुछ दिखाऊंगा आपको। तो भाई यहाँ की लोकेशन की अगर बात करें तो भाई ये यहाँ पर का ये एंट्री गेट है, और ये जो कैफ़े है ना ये है नोएडा 104 के अंदर, हाजीपुर के अंदर, और भाई इस कैफ़े का नाम है बार्क स्ट्रीट। तो यहाँ की देखो ये एंट्री है, कुछ इस तरीके का इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ से गेट, तो चलते हैं इसको खोल के अंदर। तो भाई जैसे ही ये वाला गेट हम ओपन करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस पर क्या लिखा है ये देखते हैं। बार्क रूल मतलब कुछ रूल्स लिखे हैं यहाँ के, ये रूल रेगुलेशन है, तो ये लगा हुआ है, बाकी यहाँ से ये एंट्री है। तो यहाँ से अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर से कैसा है। चलते हैं अब कैफे के अंदर, तरुण भाई जा रहे हैं अंदर, और देखो एंट्रेंस के बाद ही इस तरीके का लुक है, आते ही स्वागत कर रहा है, वेलकम कर रहा है, काट नहीं रहा है। नहीं तुमसे नहीं पकड़ा जाएगा। इसको घर मत ले जाना, बैग रख के। भाई अंदर आने के बाद ये कुछ यहाँ का फर्स्ट लुक है। यहाँ की टाइमिंग की बात करें तो भाई नून में 12 बजे से रात को 10 बजे तक ये कैफे ओपन रहता है, और डेली ओपन रहता है, इसका कोई भी क्लोज डे नहीं है। सोहिल यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो क्या था? नोएडा सेक्टर 81। नोएडा सेक्टर 81। हाँ, 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अच्छा अच्छा, यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर है वो। अच्छा, तो भी अंदर देखो जो डॉग है वो खाना खाने के लिए उसको दे दिया गया है, बट वो खा नहीं रहा, सर मारा है वीडियो होने। तो थोड़ा यहाँ की फैसिलिटीज़ देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है, फोटोशूट के लिए यहाँ पे क्या इन्होंने क्या हुआ है, सब कुछ देखते हैं मतलब, उसके बाद फिर मेन्यू भी देखेंगे यहाँ का। तो ये कुछ यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट है, देखो यहाँ पे 4 चेयर लगाई हुई हैं, सारे में ऐसी है 4 चेयर और बीच में एक टेबल। यहाँ अच्छा नंबर भी है, यहाँ के 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। अच्छा ये वाली थोड़ा ये रेक्टेंगल में है, वो वाली सर्कल में है टेबल, तो ऐसे ही यहाँ पे सारे में टेबल लगी हुई है, उसके ऊपर सैनिटाइज़र रखा हुआ है, और पीछे ही यहाँ पर देखो एक वॉल है जिसके ऊपर काफ़ी पेंटिंग्स हैं डॉग्स की हैं वो, क्योंकि यहाँ का जो स्पेशल है वो यही है कि यहाँ पे डॉग्स फ्रेंडली है, सब कुछ देखो डॉग्स के बारे में, जो जो पैट लवर्स हैं ना उनके लिए तो एक नंबर ये प्लेस होने वाला है। चीज़ें क्या है, क्या है डॉग्स की लैंग्वेज है? अरे वाह, डॉग लैंग्वेज है यहाँ पर, ओहो, ये देखो यहाँ पर देखो डॉग के बारे में बताया, डॉग अलर्ट, अगर इस वाली पोजिशन में तो अलर्ट है वो, मतलब जीव निकाल रहा है, तो यहाँ पर क्या स्ट्रेस्ड में है। अच्छा जी, ओहो इतना कुछ है। अच्छा बॉल देने तो रेडी है वो, मतलब अगर मतलब ऐसी पोजीशन कर रहा हो थोड़ा पिछवाड़ा उठा के, तो मतलब बॉल ले जाने के लिए रेडी है। तो ये मतलब आई लव यू, अच्छा डॉग आई लव यू बोलते हैं, आई लव यू डोंट स्टॉप, क्या कर रहा है ये? अच्छा मतलब ऐसे जीव दिखाया हुआ, तो मतलब ये अच्छा, ये डॉग की भी लैंग्वेज होती है। आगे देखो यहाँ पे और इस तरीके का भी सिटिंग अरेंजमेंट है, मतलब एक झूला टाइप इन्होंने लगाया हुआ है, और इसमें बैठ के भी आप अपने लंच डिनर जो ब्रेकफास्ट जो भी करना हो कर सकते हो, ब्रेकफास्ट तो नहीं होगा क्योंकि 12 के बाद ही ओपन होता है, तो ये सब आप यहाँ बैठ के कर सकते हो। मैं बैठा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था इसमें, मतलब आलस सा आएगा इसमें बैठ के आपको, देखो वहाँ देख सकते हो वो जैसे वहाँ बैठी हुई हैं वो, तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है इसमें भी बिल्कुल। देखो इसमें जो ये है ना, यहाँ के जो गद्दे वगैरह बहुत सॉफ्ट है, काफ़ी बढ़िया है, तो चेयर पर बैठना हो चेयर पर बैठ सकते हो, बाकी इस पर बैठना हो इस पर बैठ सकते हो। बाकी देखो इन्होंने सेल्फी पॉइंट भी बनाए हुए हैं कुछ, जो कि डॉग्स के साथ ही हैं। ये देखो यहाँ पे ये डॉग है पीछे, और यहाँ ये है, तो ये वाला डॉग है ना, ये वाला, ये वही वाला है जो मैंने दिखाया था, ये रहा देखो यहाँ पर, ये रहा ये वाला डॉग, तो ये देखो देखने लग गया। अभी इनका खाने का टाइम हो गया, 5:30 बज रहे हैं, तो ये खाना पीना खा रहे हैं। बाकी एक ब्लैक वाला भी डॉग है, लैब्रा है वो शायद उसको वॉक वॉक कराने गए हुए हैं बाहर अभी। देखो अगर यहाँ पे लैंड की बात करें तो उस तरीके से इन्होंने लगाया हुआ है पूरा ज़मीन पे, ये शायद जो कंकड़ पत्थर नहीं होते मतलब, ये बिछाया हुआ है इन्होंने यहाँ पूरे वॉकिंग जो एरिया है उस पर,
ये वैसे रेस्टोरेंट के अंदर ही इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है पूरा, ये शायद डॉग्स यहाँ पर हैं उनको थोड़ा कंफर्ट रहे इसलिए शायद उन्होंने ऐसा लगाया हो, देखो गोदी में ले लिया उसको डॉग को, कितने प्यारे हैं ये, तो इनके साथ सेल्फी वगैरह आप ले सकते हो यहाँ पर। देखो भाई यहाँ पे डॉग्स हैं ना काफ़ी ज़्यादा प्यारे, इनके एक बार नाम जान लेते हैं यहाँ पर, ये मैम है इनसे क्या क्या नाम है एक बार बताओगे इनके? बनी बनी डूबी एंड टोफू टोफू। अच्छा एक और वो ब्लैक वाला था उसका क्या नाम था? एजे एजे बढ़िया है, एजे से कुछ याद आ रहा है, पता नहीं क्या याद आ रहा है, कुछ था कोई मूवी में है एजे एक्शन जैक्शन शायद एक्शन जैक्शन नहीं, उसका नाम एजे है, उसका मींस अमन जूनियर है, जो अमन जूनियर। अच्छा अच्छा मतलब नाम वो फुल फॉर्म है उसकी भी? हाँ जी। अच्छा उसके डॉग्स के ऑनर है, इस कैफे के ऑनर। अच्छा 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 अमन नाम है तो इस वजह से। अच्छा उन्होंने मतलब जो कैफे के ऑनर है उन्होंने डॉग का नेम अपने नेम से कनेक्टेड करके रखा है। अच्छा अमन जूनियर। ये देखो यहाँ पे इसका छोटे से डॉग का एक घर भी बनाया हुआ है, इस घर का क्या नाम रखा है इन्होंने? इच्ची। वे जइयो घर में जइयो, क्या नाम है तेरा? वे लड़के घर में जा, चलो अंधेरा हो रहा है, चलो भाई सोने का टाइम हो गया, अंदर घुसो कहाँ भाग रख जाना। तो भी यहाँ का मेन्यू वगैरह भी देखेंगे, कुछ खाएंगे भी, उससे पहले ना थोड़ा डॉग्स को ही देख लेते हैं क्योंकि स्पेशली ये डॉग्स के लिए ही है ना कैफे, डॉग्स के लिए नहीं है मतलब डॉग्स फ्रेंडली है, यहाँ पे डॉग्स भी मिलेंगे आपको तो इसलिए ज़्यादातर डॉग को ही रख रहे हैं हम। तो भी हमें पता लगा कि ये शेक हैंड भी करता है तो ट्राई करते हैं। हेलो शेक हैंड, शेक हैंड टुफू पाओ। टुफू पाओ क्या होता है? टुफू पाओ। अरे वहाँ वो दे दिया, दोबारा करिए एक बार, टुफू पाओ टुफू पाओ। वो टुफू टुफू पाओ। अरे वाह समझ क्या रखा है इन लोगों ने, कभी हाय कभी हाथ मिलाओ कभी हाई फाई हाई फाई हाई फाई हाई फाई करो करो टुफू हाई फाई टुफू हाई फाई हाई फाई दीदी बोल रही है इसलिए कर लेता हूँ। वो वापस तो लिया बॉल? अच्छा खेलेगा बॉल से। कितना ज़्यादा क्यूट है सच में। तो भाई ये बता रहे जो ब्लैक वाला था ना जिसका नाम एजे था, वो मतलब उसको काफ़ी कमांड आती हैं बट वो वॉक के लिए गया हुआ है, वो काफ़ी एनर्जेटिक है ये बता रहे थे, तो उसकी एनर्जी डाउन करने के लिए उसको वॉक करवाने लेकर गए अभी, तो वो होता तो और भी कुछ हम दिखा पाते बट वो गया हुआ है अब वॉक करने के लिए। मुझे लगा काफ़ी मतलब सबसे ज़्यादा हुड़दंग वही मचाता है बट वो सबसे ज़्यादा कमांडेड भी था। फाइनली कुछ खा लेते हैं अब यहाँ पे, तो टेबल नंबर 13 पे बैठे हैं हम यहाँ पे। तो देखो अगर आपको मेन्यू चेक करना हो ना तो आपको इसको स्कैन करना पड़ेगा, यहाँ पे बार कोड है तो इसको स्कैन करता हूँ मैं, आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा देता हूँ यहाँ का मेन्यू, बाकी आप आओ तो इसको स्कैन कर लेना तो मेन्यू इसका ओपन हो जाएगा। मेन्यू तो मैंने आपको दिखा दिया है, आपने देख ही लिया सब कुछ, अभी हमने पिज़्ज़ा और एक चॉकलेट ड्रिंक ऑर्डर करी है तो वो आई उसको खाएंगे और फिर बाहर एक बार चलेंगे यहाँ पे, यहाँ इस साइड पीछे भी बाहर मतलब थोड़ा सा इन्होंने एरिया बनाया हुआ है। वाइज हमारा ऑर्डर यहाँ पे आ चुका है, हमने यहाँ पे एक पिज़्ज़ा लिया है और यहाँ हमारी ये चॉकलेट ड्रिंक है, बाकी यहाँ पे एक डॉग भी था वो भाग गया वहाँ पीछे। तो फाइनली खाते हैं मतलब ये, तो भाई देखते हैं इसका टेस्ट रिव्यू क्या रहने वाला है, टेस्ट करते हैं फिर आपको बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई खाते हैं पिज्ज़ा और मिलते हैं खाने के बाद। तो भाई पिज्ज़ा तो खल्लास कर चुके हैं, मज़ा आ गया, बाकी अभी यहाँ पर ये चॉकलेट ड्रिंक थी ये पी रही, ये भी काफ़ी टेस्टी है, मज़ा आ रहा है इसमें भी। चेयर्स, बिल्कुल चेयर्स भाई। तोड़ दो गिलास।
तो भाई यहाँ पे इन्होंने खा पी लिया है, तो इनसे थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं। आप ये कैफे कैसा लगता है, इनको एक बार बताओगे आपको कैसा लगता है ये? तो मतलब आप इस कैफे में पहले भी आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो? दिस इज द फर्स्ट टाइम, मेरे फ्रेंड ने रिकमेंडेशन किया था इस कैफे में। हाँ, यहाँ पे पेट्स मिलते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सो इसलिए मैं आई हूं। तो कैसा लगा आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड यहाँ इतना पीसफुल है, एंड इनको देख के मतलब स्ट्रेस और रिलीफ हो जाता है, तो बहुत अच्छा। स्ट्रेस रिलीफ हो गया आपको? हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब बढ़िया लगा आपको? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो ये रिव्यू था कुछ यहाँ पर जो लोग आए थे गेस्ट आए थे उनका। यहाँ से एक बार आउटसाइड चलते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा सा बनाया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट, तो ये भी दिखा देता हूँ एक बार। बाहर थोड़ा शोर हो रहा है, थोड़ा शायद कुछ रिपेयरमेंट वगैरह कुछ काम चल रहा है पीछे यहाँ पर। बाहर इन्होंने एक ही लगाया हुआ है यहाँ पर ये टेबल, तो यहाँ पर आउटसाइड भी आप खा पी सकते हो, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे भी। बाहर भी थोड़ा इस तरीके से है अच्छा। यहाँ पे देखो सामने डॉग्स के लिए आप कुछ खरीद भी सकते हो, अगर आप अपने डॉग को यहाँ पर लेके आना चाह रहे हो, आप अपने डॉग को भी ला सकते हो। कोई भी मतलब ये चार डॉग थे ना यहाँ पे, कोई कुछ नहीं कहेगा इन सब आपके डॉग को। तो ये देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं, तो ये सब कुछ मतलब डॉग्स के लिए यहाँ पर, मतलब जो भी अपने डॉग को लाए वो खरीद सकते हैं यहाँ से। डॉग्स के लिए जैसे क्लोथ्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, क्लोथ डॉग के लिए? हाँ, समर क्लोथ्स। अच्छा, अरे अरे, ये तो इंसानों की तरह। और ये विंटर कलेक्शन से। अच्छा अच्छा। और ये बंदाना है, नेक में पहने जाते हैं वैसे। क्या बोलते हैं इसको? इसको बंदाना बोलते हैं। बंदाना। और ये बो टाई होती है हमारी। अच्छा, लेट्स पार्टी। अच्छा, डॉग्स भी करते हैं पार्टी। ये टाई है डॉग्स के लिए, पार्टी में लेके जाना हो। और ये मतलब ये क्या फ्रॉग है? ये भी डॉग के लिए होता है। अरे वाह यार, और डॉग के लिए भी इतना कुछ होता है। और क्या है, ये क्या है? ये ये ट्रे है, ये भी डॉग्स के लिए। ये भी डॉग के लिए है, ये भी डॉग के लिए है। अरे यार, इतना कुछ होता डॉग के लिए। अरे वाह, सेल्फी भी। ये देखो एग्जांपल दिखाया उन्होंने यहाँ पे कुछ। डॉग्स भी मतलब सेल्फी के शौकीन हो रहे हैं आजकल भाई, मॉडर्न टाइम में कुछ भी हो रहा है। तो ये देखो, अच्छा ये खिलौने हैं ना, टॉयज वगैरह डॉग्स के लिए। ये देखो यहाँ पे इन्होंने बोन लगाई हुई है, ये बैगन। ये देखो, अरे वाह, एक जमाने में बच्चे खेलते थे इससे, आजकल डॉग भी खेलते हैं इससे। अच्छा, ये फूड है क्या यहाँ पर ये डॉग के लिए? हाँ, डॉग के लिए फूड नहीं, ट्रीट होता है। अच्छा, ट्रीट होता है ये। अच्छा, फूड होता है आपके पास? फूड फिर नहीं, फूड हम लोग नहीं रखते। ये ट्रीट में मतलब क्या, स्नैक्स टाइप कुछ? नहीं, ये चिकन में ऐसा कुछ, चिकन मतलब खाने का ही होता है ना डॉग्स का। अच्छा अच्छा, और ये क्या कुछ मेडिसिन है क्या? ये इसमें शैम्पू है एंड ड्राई बाथ होता है। अच्छा, ये सब भी होता है डॉग के लिए? अच्छा, मतलब टोटली सब कुछ डॉग के लिए है यहाँ पे। तो भाई ये देखो, थक गए बेचारे दोनों के दोनों यहाँ पर। तो भाई थोड़ी देर और साथ दे दो, बस फोटो लेनी है, उठा लूँ? बेचारे को आलस आ रहा है, उठ जा भाई, उठ जा। ये देखो आ गया गोदी में, कितना ज़्यादा क्यूट है भाई साहब, देखो। बहुत ज़्यादा क्यूट है सच में। तो इनके साथ थोड़ी फ़ोटो लेते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे डॉग ये मसाज करवा रहा है अपनी, 150 रुपये देगा, 150 रुपये मसाज करवा रहा है। देखो ये स्माइल आ रही है अब तो, हैं, तब से आलस कर रहा था। तो भाई पूरा ये जो कैफे मैंने कवर कर लिया, सब कुछ दिखा दिया, कि मेन्यू वगैरह भी दिखा दिया, डॉग्स वगैरह फोटो शूट भी करा हमने थोड़ा। इंस्टा पे पोस्ट करते रहते हैं हम फोटो वगैरह जो भी हम लेते हैं, तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना। बाकी यहाँ के बारे में अगर आपको कुछ पूछना होना तो इनसे ही पूछ सकते हो आप, इंस्टा पे फॉलो कर लेना इनको, इनसे पूछ सकते हो आप। तो भाई ये रहा हमारे यहाँ पे एग्जिट गेट, तो चलते हैं अब, तो जा रहे हैं भाई। ठीक है भाई, बाय बाय। देखो भाई, देख रहे हैं कहीं और, देख रहे हैं बाकी। वो दूसरा वाला था, वो तो वहाँ सो रहा है पीछे। तो भाई इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, एंड करते हैं इस ब्लॉग का। अगर चैनल पे पहली बार आए थे, अब तक सब्सक्राइब नहीं आया तो कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।